हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स को आप स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले ये जो पावर बटन होता है जिससे हम फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं, उसको हमें लॉन्ग प्रेस करना है। 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगी। हम देखते हैं पावर ऑफ, रीबूट। आपको अगर स्विच ऑफ करना है तो पावर ऑफ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार फिर से करेंगे और ये स्विच ऑफ हो जाएगा। रीबूट करने के लिए रीबूट पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये रीबूट या फिर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो नया यूआई है उसमें आपको ये ऐसे ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। नए वाले में आपको ऐसे स्लाइड टाइप ऑप्शन दिखाई देगी सीधे। अगर आप उसे ऐसे ऊपर की ओर करेंगे तो वो स्विच ऑफ या फिर रिस्टार्ट होगा, नीचे ओर करेंगे सेम ऐसे, या फिर नीचे ऑप्शन होगी रीबूट की या फिर ऊपर, तो आपको वैसे स्लाइड करके उसे छोड़ देना है तो वो स्विच ऑफ या फिर रीबूट हो जाएगा।